आदरणीय मित्रों, आप सभी को मधुमास की शुभकामनाएं। इस देश में ये महापर्व वसंत पंचमी से शुरू होकर और चैत की प्रतिपदा के दिन होली के उल्लास के साथ समाप्त होता था। ये अलग बात है कि आदिवासी क्षेत्रों में रंग पंचमी और भी आगे तक मेवाड़ में यदि आप जाएं तो ये पर्व कई रंगतों के साथ, कई तरह के कार्यक्रमों के साथ राजस्थान में और देश में मनता रहा है। अजंता की तरह मैं भी सफाई देना चाहूंगा कि मैंने कभी यूं होली, दीपावली या फला इस पर विषय पर कोई कविता नहीं लिखी है। जब कलानेरी का यह आमंत्रण मिला तो मुझे, मैंने विचार किया कि मुझे क्या पेश करना चाहिए। खुशी मुझे इस बात की भी है कि इस पर्व को मनाने के लिए कलानेरी ने एक भाव बचा रखा है और एक कोना भी। मैं आज पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ और आप सब लोगों के साथ शिरकत करते हुए मुझे प्रसन्नता है। मैं जो कुछ कविताएं बिल्कुल उसी होली के हिसाब से ही लगभग छांट के लाया हूं, यद्यपि मेरे पास उन कविताओं का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहली कविता का शीर्षक है बसंत आगम। करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी धुरानी दुनिया फिर से नई नवेली हो रही है। करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी धुरानी दुनिया फिर से नई नवेली हो रही है। साधारणता में जागता एक असाधारण जादू, रगों में घुलती लहू की धूली गर्माश, ये क्या घुल गया हवाओं में, पुरानी पड़ गई पाप पूर्ण की परिभाषाएं। करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी धुरानी दुनिया फिर से नई नवेली हो रही है। साधारणता में जागता एक असाधारण जादू, रगों में घुलती लहू की धूली गर्माश, ये क्या घुल गया हवाओं में, पुरानी पड़ गई पाप पुण्य की परिभाषाएं। बूढ़े दरख्त भी ले रहे हैं अंगड़ाई, शुक्रिया बसंत फिर से सभी कुछ नया नया सा कर देने के लिए। मित्रों, कविता कोई बाहर से आने का कौतुक नहीं है, वो हमारे जीवन में घटित होता है। ये अलग बात है कि इन दिनों उस तरह से कविता को देखने की आंख थोड़ी धुंधली पड़ी है। मैंने अपने पहले कविता संकलन को टटोला तो मुझे यहाँ के लिए कविता मिली, खासतौर से ब्रज में और भरतपुर साइड में कहा जाता है कि फागुन का कुछ ऐसा रंग है। एक लाइन है वहाँ कि फागुन में जेठ कहे भाभी, इस तरह का ये जो भाव है, अर्थात जिसको कहना चाहिए कि निर्दोष किस्म का जो जीवन का राग है वो इस मौसम में जागता है। स्वकीय और परकीय पता नहीं कितनी कितनी नायिकाओं को लेकर के हमारे कवि लोगों ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। अब इस उम्र में मैं उस तरह का कुछ कौतुक करूं तो आपको भी ठीक नहीं लगेगा। फिर भी पतियों के जीवन में एक फागुन तब भी आता है जब पत्नियां बड़े दिनों बाद पीहर से लौटती हैं। मैं अपनी कविता जो आपका शीर्षक आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है पीहर से लौटकर पत्नी।
खासतौर से मैं आपको जो बात कह रहा था कि वो कविता कैसे हमारे जीवन में है, उसकी एक झलक आप इस कविता में देख पाएंगे। बड़े दिनों बाद पीहर से लौटी है पत्नी, और मुझे बेतरह याद आ रहा है महीनों पहले खाई अदरक प्याज और हरी मिर्च के बघार वाली अरहर की दाल का स्वाद। बड़े दिनों बाद पीहर से लौटी है पत्नी, और मुझे बेतरह याद आ रहा है महीनों पहले खाई अदरक प्याज और हरी मिर्च के बघार वाली दाल का स्वाद। कितनी सुहानी कितनी समरस हो गई है घर की विरूपताएं, कितना अद्भुत है कि चीजें वही हैं लेकिन पत्नी सरहद रांग रही है प्रेमिका के इलाके में दाखिल होते हुए। कितनी सुहानी कितनी समरस हो गई है घर की विरूपताएं, ये कितना अद्भुत है कि चीजें वही हैं लेकिन पत्नी सरहद रांग रही है प्रेमिका के इलाके में दाखिल होते हुए। बड़े दिनों बाद रगों में उठ रहा है एक सौंधा उबाल, देह की हर दस्तक में फुल रहा है लहू में घुल रहा है ये राज, ये कविता ही है जो हर कहीं हो सकती है। बड़े दिनों बाद पीहर से लौटी पत्नी ने भी, और जीवन के इसी राग रंग को लेकर के एक कविता मुझे और मिली है। कविता का शीर्षक है तुम जब हंसती हो, तुम जब हंसती हो तो आ जाती है धूप में चमक। अरे वाह, तुम जब हंसती हो तो आ जाती है धूप में अनोखी चमक, जल में विरल तरलता हवा में अद्भुत उल्लास, गुलाबों में सिहरन पेड़ों में हरा उजास। तुम जब हंसती हो तो आ जाती है धूप में अनोखी चमक, जल में विरल तरलता हवा में अद्भुत उल्लास, गुलाबों में सिहरन पेड़ों में हरा उजास। तुम जब हंसती हो तो बढ़ जाती है नक्षत्रों की कांति, नदियों में विपुल जल खबरों में अवकाश, बादलों में बारिश घरों में सुख चैन। तुम जब हंसती हो तो बढ़ जाती है नक्षत्रों की कांति, नदियों में विपुल जल खबरों में अवकाश, बादलों में बारिश घरों में सुख चैन। तुम जब हंसती हो तो गाती है देह में सर्पिलता, लहू में रक्तिम आभा मन में अनंत इच्छाएं, आत्मा में अमरता अस्थि मज्जा में जिजीविषा। तुम जब हंसती हो तो गाती है देह में सर्पिलता, लहू में रक्तिम आभा मन में अनंत इच्छाएं, आत्मा में अमरता अस्थि मज्जा में जिजीविषा। तुम जब हंसती हो तो भर जाता है स्त्रियों में लबालब प्यार, पुरुषों में विनम्र अनुरोध पिता में पुरुषार्थ, माँ में मनुहार संतति में परिष्कार। तुम जब हंसती हो तो भर जाता है स्त्रियों में लबालब प्यार, पुरुषों में विनम्र अनुरोध पिता में पुरुषार्थ, माँ में मनुहार संतति में परिष्कार। तुम जब हंसती हो उठती है मिट्टी से सौंधी घमक, बस्तियों से भोज की गंध, दिनों में मशक्कत और अट्टहास, रातों में स्वप्न और आमंत्रण, धमनियों में उद्दाम वेग। तुम जब हंसती हो तो उठती है मिट्टी से सौंधी घमक, बस्तियों से भोज की गंध, दिनों में मशक्कत और अट्टहास, रातों में स्वप्न और आमंत्रण, धमनियों में उद्दाम वेग। तुम जब हंसती हो तो जागती है घोड़ों में हिनहिनाहट, तुम जब हंसती हो तो जागती है घोड़ों में हिनहिनाहट, दोस्तों में दोस्ती दुश्मनों में दुश्मनी, पंडितों में चतुराई ईश्वर में करुणा। तुम जब हंसती हो तो गाती है जागती है घोड़ों में हिनहिनाहट, दोस्तों में दोस्ती
दुश्मनों में दुश्मनी, पंडितों में चतुराई, ईश्वर में करुणा, तुम जब हंसती हो तो ढंक जाती है नग्नता आवरण से। तुम जब हंसती हो तो ढंक जाती है नग्नता आवरण से, आवरण निर्वस्त्रता से, होठ चुंबनों से, आकाश ग्रह नक्षत्रों से, धरती धन धान्य से। और मुझे लगता है क्योंकि राजस्थान की राजधानी में ये आयोजन हो रहा है, ये अपनी एक गजल, राजस्थानी की गजल भी आपको, छोटी गजल है वो सुनानी चाहिए इस मौके पर। गजल यूं है, कहते हैं कि अकबर के समय में अरसला नाम करके बड़े कवि हुए। माइक अपने पास ले लीजिए। वे हिंदू थे लेकिन एक रंगरेजन, शेख रंगरेजन करके एक रंगरेजन थी, उसके प्यार में, कवि प्यार में उन्होंने सुना कि भाई वो बहुत अच्छी कवियत्री है, तो उन्होंने एक दोहे की पहली अर्धाली लिख करके और उस पगड़ी के बांध करके भेजा। मैं भूल रहा हूं, हाँ, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कट छीन। रंगरेजन ने उसको पढ़ा, पुर्जे को खोला, एक तरफ रखा, बड़े प्रेम से पगड़ी रंगी और उसके बाद उसको पूरा करते हुए कि कनक कटी, कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन, कटिको कंचन काट के कुचन मध्य धर दीन। ये जब उन्होंने लिख करके भेजा तो कवि रसलीन उसी दिन मुसलमान हो गए, उन्होंने अपना मजहब बदल लिया। उनका एक दोहा अरसा दराज से बिहारी के दोहे की तरह माना जाता है, आंखों को लेकर उनका बड़ा सुंदर दोहा है एक, कि अमी हला हल मत भरे श्वेत चाम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जही चितवत एक बार। बड़ा शास्त्रीय किस्म का दोहा है, आप सभी प्रबुद्ध जन हैं और इसके आशय को समझते होंगे, फिर भी मैं उसका थोड़ा सा बता दूं। वो कहते हैं कि आंखों में अमृत भी है, जहर भी है और मद भी है, नशा भी है। इनके शास्त्रीय रंग जो है वो क्रम से सफेद और काले और लाल माने गए हैं, और आंखों में चूंकि तीन तरह के रंग होते हैं, आंखों में सफेद रंग भी है तो काला रंग भी है तो लाल डोरे भी हैं, उसको लेकर के कहा गया है कि जियत मरत झुकी झुकी परत। और फिर नजर भी तीन तरह की होती है, प्यार की, मनोहार की और धिक्कार की भी। तो कुछ उसी नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने कभी राजस्थानी में गजल लिखी थी, आप सुने। कवल कटारी थारी आंखा, आप सभी की आंखों को समर्पित। कवल कटारी थारी आंखा, कमण गारी थारी आंखा, करंग सुरंगो राचे तन भन केसर क्यारी थारी आंखा। कमल कटारी थारी आंखा, कमण गारी थारी आंखा, रंग सुरंगो राचे तन मन केसर क्यारी थारी आंखा। और फिर एक थोड़ा दूर तक जाने का भाव कि कामण कोठे काग उड़ावे, कि कामण कोठे काग उड़ावे, खुली अटारी थारी आंखा, अमल गड़े मद प्याला छड़के जद मनवारी थारी आंखा, सेजा पोढ़े ढोला मरवण सेज समारी थारी आंखा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कजरारे कजरारे यहीं से आए हैं।